जय जगन्नाथ सांग मैंने आज गोटे नुआ सका मु जाली आपण मानक स्वागत जनाऊँ तो सांग मैंने काली राति 10 बाजिगला मैंने आसिकी भुवनेश्वर पहुँचला बेलू आली आते थकी जा बिलकुल भी आउ वीडियो किछि करी पारलिनि तो आज भी उठू उठू लेट हो गला मुँह देखु थे सब थंडार फुली जाइए तो चलत वीडियो को कंटिन्यू करिवे आउ कौन बनाऊँ आज चलत देखा आज ब्रेकफास्ट तो चलत तो ये मु चूड़ार उपमा बनई नहीं सब पर पकईकि कहीं हस्पिटाल एवं बाहर तो यहाँ बनई चूड़ार उपमा सब पर पकईकि तो आगे पुअर बाढ़ी दूची कहीं पुअर क्लास भी अच्छी इटि चूड़ा उपमा आगे पोर बाढ़ी दो बाबा ने आज भंडा तरकारी हम आम मानी बालेश्वर ना आपको भंडा कहती आपण मानकर तो कदमी फूल बोधे कहती आम भंडा कहती भंडा मुझे नहीं कि आसती घर नहीं कि आसती कढ़ा जापर तार गोटे यहाँ कढ़ा गोटे कैप्सिकम आटा अल्ट्रासेट हाँ अच्छे अच्छे देख जल्दीटा देख उल्टा पल्ट कर देख थी पापा खाई सारे ना भंडा भंडा आज मैंने एटा बैगन बैतालू आलू पकई गोटे तरकारी बनईबी बहुत टेस्टी लगे काटिकी भी करा जाए मैंने आपको सब छोट सरीगला आटा ना काटिकी भी आपको मैं एमती का पूरा छोट छोट काटिकी आलू बैगन बैताल देखे करा जाए कि सेटा भी बढ़िया लगे कि मत बाटिकी कले ना बढ़िया लगे तो आज बाटिकी करवा आंडा तरकारी सांगे कम्बिनेसन हूँ दही कड़ी तो दही कड़ी बाड़ी सब नहींक आ भेंडी बैगण बैतालू जहाँ जहाँ बाड़ी सब कल देखे थी ना सब बाहरी थी सब नहीं चल आसती तो आज दही कड़ी बनब आटा भंडा तरकारी बनब आउटे कौन करी कहती कखारू आनी कखारू मान पा कखारू आमर बालेश्वर पटे बैतालू कह जाए कखारू पा कखारू को कखारू कह जाए कि एपटे सबूना भुवनेश्वर कटक पटे से बैताल को कखारू कही था कखारू को पा कखारू कही था तो प्रत्येक जगह अनुसार ना सब कह भी अलग अलग थाए कथा अलग थाए तो आज दही कड़ी हम भंडा तरकारी हम कखारू करी जदि टाइम हम कखारू करी आर रेसीपी भी मुझे आगुरु मैंने पा कखारूर रेसीपी राई बढ़िया लगे एत टेस्टी लगे ना तो चलो तुम्हें शीघ्र शीघ्र टे बाछनी सरलापर रांधा बेले आपण सेयार करी सब रेसीपी आपन को दौची प्लीज देखु वीडियो को कंटिन्यू करूँ जो मन को भल लगुच प्लीज सब्सक्राइब करूँ मो चैनल को तो ताहले जाए कि गोटे मजा लगे वीडियो बनवाई
आउ जदि मु बनेबी आपण मन को पई आपण माने देखिबेनी लाइक्स करिबेनी शेयर करिबेनी तो इच्छा आउ होउनी करबा पई तो चलन त मु बाछिनी आउ टिके भी बाछि नबा बाछि नै सल्ला पर आपण को संगे रे सब शेयर करिवे केमती हो मैठी मसला पई प्याज नीची रसुण अदा दुईटी गुजराती सुखिला लंका जीरा खंडे नीचे दालचीनी तो आम फास्ट ताको पेस्ट बनई ना तो ये आमर पेस्ट रेडी ताको आम गोटे जगह को काढ़ी ना ये मुढ़ी नहीं मसला तापर आम भंडा जे रखी थे मानते कदमी फूल ताको आम से जार धोवा दरकार ना से जारे आम बाटिद भल कि तो ये भंडा भी बटा हो जा तो ये मुझे कढ़े बसई नहीं सोरस तेल देदे आउ मेन करी भंडा तरकारी जे रांधे ना तो सोरस तेल यूज करेंगे सोरस तेल गरम हो गोटे पिंच खाली पंच फुटण देपर पंच फुटण फुटि जापर दुईटी तेजपत्र देपर मसला जे आम पिज रसुण अदा जीरा सब यह सब बाटिक रखी थे मसला को देखिए आम कषा मसला टिकेसले टे मीट मसला आ हलदी गुंड अल्प यूज हुए ये आ स्वाद अनुजाई लुण आपण पर देखिकी लुण देतापर ताक आम सब भल कि टी कषा जमी कंचा स्मेल मसलू जापर भंडा जे बाटिक रखी थे से भंडा को आम देद भंडा को दे सारापर आम कम से कम 10 मिनिट पर्यंत कषा कहीं भल कि कषिले जा तरकारीटे बहुत बढ़िया टेस्ट आसता है मानने मटन रान काटिद एत सुंदर टेस्ट लगी था तरकारी तेणु कषापी पड़ो तापर ये मुझे बैगण बोतल आलू को काटिक रखी थी कंचिड़ी बोतल थी मानते कंचा बोतल से मु सब पर आम देद दे सारापर ताक भल कि आम कषा 10 मिनिट पर्यंत कहीं जिते आम पर मसला सहित कषा ना तो तरकारी टेस्ट से भल आसी थाए तो भल कि कषा कषि 10 मिनिट कषि सारापर अल्प खाली पा दबा पर देखिकी बेसी पा बिलकुल भी देवेनि ना पूरा झोल हो भल लगे अल्प पा दबा दे सारापर ये कंचा सोरस तेल मुझे 2 स्पून देची कंचा सोरस तेल दबा फल तरकार टेस्ट बहुत सुंदर आसता है तो ये देखु 8-10 मिनिट कभर करिकी सीझेलापरिया पूरा बढ़िया कि सीझी जा तरकारी रेडी ये कदमी फुलर तरकारी तो बहुत टेस्टी लगे आउ ए प्रोसेस रे थरे निहाती बनांतु देखिबे मटन रो कान काटी देबो ए कदळी फुलर तरकारी तापरे लास्ट रे मुई ठी गरम मसला टिके देछि माने जेटा गुजराती आउ डालचीनी रो गुंड गरम मसला दे देछि तापरे देसी गुआ घी निहाती गोटे स्पून आधेरे देबे बहुत बढ़िया फ्लेवर आस्थाय तो रहुछि संगा माने जय जगन्नाथ।